देखिए, हम लोग यूनिट वेक्टर पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन वन, इफ यूनिट वेक्टर ए 0.3i 0.4j प्लस सी के, देन सी बराबर वाट। अगर ऐसा प्रश्न आपके पास आ जाए कि ऑलरेडी यूनिट वेक्टर दिया हुआ है और उसमें एक अननोन है तो कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन करने में आपको ध्यान देना होगा कि केवल आप मोड ले लीजिएगा 0.3i 0.4j प्लस सी के। यहाँ मोड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 1 हो गया और इधर कितना होगा 0.09 0.16 सी स्क्वायर हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा 0.25 प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हट जाएगा आपका स्क्वायर रूट 0.25 प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, इसको घटा दीजिए लेगा 0.75 रूट अंडर 0.75। देखिए इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन अलग से और देखिए, एक प्रश्न ऐसा आपसे पूछा जाता है कि दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर है तो उनका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस का मॉड क्या होगा, इस तरह आपको पूछा जाता है। तो आप ऑलरेडी यहाँ समझ सकते हैं कि तीनों जब बराबर हो तो ए और बी के बीच में कितना एंगल्स होगा 120 डिग्री। या करके देखिए, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस अल्फा। और देखिए ये यूनिट वेक्टर है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 होगा। तीनों जगह पुट कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 1 1 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 2, कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस 1/2। अल्फा कितना होगा 120 डिग्री। अब यहाँ से आ जाइए यहाँ पर, कितना होगा वेक्टर ए यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, तो ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर का मोड का वैल्यू निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा। देखिए कॉस अल्फा का यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा आपको 1 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा माइनस 1/2। देखिए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो गया रूट 3 हो जाएगा जोड़ने पर। तो आपका हो गया यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी का डिफरेंस का मॉड हो जाएगा रूट 3, दैट इज द आंसर। अब ध्यान रखना आपको कि जब भी ऐसा प्रश्न हो कि दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर है तो उसका डिफरेंस का वैल्यू मापांक कितना होगा, तो डायरेक्ट रूट 3 आप बता देंगे। ओके okay?